दोस्तों, एक कहावत है, जब वक्त बुरा होता है तो खुद का साया भी साथ छोड़ देता है। दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी फ्यूचर मैकर के राधे श्याम सर की है। जागरण जिस तरीके से फ्यूचर मैकर के बारे में लिखते हैं और राधे श्याम के बारे में लिखते हैं, दोस्तों आपको सुनाते हुए हमें भी बड़ा खेद होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राधे श्याम जी कहीं से कहीं तक कसूरवार नहीं है। जो भी कसूर है इस वक्त सब राजनीतिक और प्रशासनिक। और दोस्तों, ये जो चिट फंड को बंद करने का स्कैम चला, उसमें सभी कंपनियों को, चाहे वो चिट फंड कंपनी हो चाहे वो सोसाइटियां हो, तो दोस्तों फ्यूचर मैकर की अगर बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि राधे श्याम जी करोड़ों रुपया अपने टैक्स का समय पर जमा करते आए हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर जो गाज गिराई गई है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और इसका खुलासा किसी ने नहीं किया। अखबार वाले भी राधे श्याम जी को ही बुरा कहते हैं और उनके बारे में क्या क्या लिखते हैं, चलिए आइए दोस्तों एक बार फिर से हम आपको दोहराते हैं। लिखता है दैनिक भास्कर, बड़ी फिल्में हैं, दर्जी से अरबपति बनने वाले शख्स की कहानी पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे। आगे कहते हैं कि राधे श्याम करीब 10 साल पहले दर्जी का काम करता था, लेकिन अब थोड़े समय में वह अरबों रुपयों का मालिक हो गया। आगे कहते हैं, बड़ी मंडी आदमपुर फ्यूचर मैकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले राधे श्याम की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मूल रूप से आदमपुर के गाँव शिववाला निवासी राधे श्याम करीब 10 साल पहले दर्जी का काम करते थे और लोगों के कपड़े सिला करता था। बाद में सिलाई का काम छोड़कर आदमपुर राज सिनेमा मार्केट में राम श्याम के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्यालय खोला और प्रॉपर्टी खरीद फरोख में लाखों रुपया कमाए। प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा मंदा होने के बाद राधे श्याम RCM सहित कई अन्य नेटवर्क कंपनियों से जुड़ गए। कंपनियों की मीटिंग में मैं लोगों को मोटिवेट भी करता था। उसे एक मिस्टन को मोटिवेट करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये मिलने लगे। उसने देखा कि हर कंपनी ग्राहकों से स्कीमों के माध्यम से प्रति माह करोड़ों रुपये कमा रही है, तो उसने अपनी कंपनी खोलने की ठान ली। इसके बाद 2015 में सीआर में फ्यूचर मैकर लाइफ केयर प्राइवेट नाम की कंपनी खोली और लोगों के इसमें निवेश के लिए मोटिवेट करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कंपनी हज़ारों और लाखों सदस्य बन गए और कंपनी का नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों में फैल गया। इसमें थोड़े समय में ही राधे श्याम अरबों रुपये के मालिक बन गए। तो दोस्तों, सच्चाई से कुछ परे हटकर ये मीडिया वाले किस तरीके से एक इज्जतदार इंसान को तार तार कर देते हैं, कैसे उनकी उल्टी सीधी न्यूज़ देते हैं। तो दोस्तों, जबकि हम जानते हैं, ये हम नहीं कहते दोस्तों, हमें न्यूज़ें मिलती हैं, उन न्यूज़ों के आधार पर हम बताते हैं कि फ्यूचर मैकर कभी भी उसने किसी का एक रुपया नहीं मारा। राधे श्याम बेकसूर है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना पुलिस ने रविवार को गांव शिववाल स्थित राधे श्याम के घर दबिश दी। पुलिस आरोपी नरेश शर्मा के साथ लेकर यहां पहुंची थी। पुलिस ने कई घंटे तक घर में तलाशी ली, साथ ही पड़ोसियों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि राधे श्याम बेकसूर है और उनसे कोई धोखाधड़ी नहीं की। उनकी कंपनी तो सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व दे रही है। इसी सप्ताह कंपनी ने 26 करोड़ रुपये टैक्स अदा किया, साजिश के तहत फंसाया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम बताते हैं, बिल्कुल सही बात यही है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया और करोड़ों रुपया सरकार को कंपनियों से मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, बात वही है कि सरकार नहीं चाहती कि ये कारोबार हिंदुस्तान में चले, क्योंकि 35% आबादी इस वक्त ऐसी कंपनियों से जुड़ी है और इनकी सरकारी योजनाओं से और इनकी सरकारी जो इनके अपने बैंक खुले हैं उनसे 35% आबादी से ज़्यादा हटी हुई है। तो दोस्तों, उनको सबको एक स्टेशन पर लाने के लिए ये सभी कंपनियों के ऊपर बुलडोज़र गिराया गया, ना कि राधे श्याम जी के। राधे श्याम जी आज भी बेकसूर थे, कल भी बेकसूर हैं।
तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इस्टी न्यूज़ चैनल से इसलिए दी जा रही है ताकि सभी निवेशकों को जो गलत फहमी है पाल रखी हैं, जो आप निवेशकों में इस वक्त दंगल खिला हुआ है, सभी अपने अपनी ढपनी और अपने अपने राग अपने अपने चैनल बनाकर गा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारा यही कहना है कि खंडित होने से अच्छा है कि आप एक स्टेशन पाएँ, क्योंकि राधेश्याम जी को बहुत जल्दी बेल मिलने वाली है और बाहर निकलने वाले हैं, सभी का उद्धार करने वाले हैं, सभी फ्यूचर मैकर भाइयों को एक साथ मिलकर एक आवाज़ में रहना चाहिए। ये नहीं कि आप खंडित हो रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग बना रहे हो।